किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ के दो लॉज हैं, पहला किरचॉफ फर्स्ट लॉ जिसको जंक्शन लॉ भी बोलते हैं। बहुत सिंपल है, ये कहता है कि अगर मान लो आपके पास एक जंक्शन है, जंक्शन पे कई तारें मिली हुई हैं, वायर्स मिली हुई हैं, कुछ में करंट जंक्शन की तरफ आ रहा है और कुछ में करंट जंक्शन से दूर जा रहा है, तो रूल ये कहता है, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ ये कहता है कि सम ऑफ ऑल इनकमिंग करंट, जो करंट जंक्शन की तरफ आ रहे हैं I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल आउटगोइंग करंट। आउटगोइंग करंट क्या है? I4। ये रहा, ये तो बहुत सिंपल है, ये तो वही बात होगी, आपने पानी की पाइप लगा ली, तीन पाइप में पानी जंक्शन की तरफ आ रहा है और चौथे में तो बाहर निकलेगा ही निकलेगा, नहीं तो जॉइंट तोड़ देगा। ऐसे अगर आपने चार तारों में करंट एक तरफ कर दिया तो हीटिंग अफेक्ट हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, उसमें आग लग जाएगी और ये कनेक्शन टूट जाएगा। तो इसके अंदर एक वायर से करंट को बाहर निकालना जरूरी है। तो कई लोग ऐसे भी बोलते हैं चार्ज कंजर्वेशन हो रहा है, मैंने कहा कैसे? वो कहता है देखो, चार्ज कमिंग पर सेकेंड और चार्ज गोइंग पर सेकेंड की वैल्यू सेम है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो कुछ भी नहीं है लॉ में, बस ये लॉ है। और इसके अंदर कई बुक्स ऐसे भी लिखती हैं कि सम ऑफ ऑल करंट, सारे करंट का सम जीरो होता है, लेकिन साथ में एक स्पेशल लाइन लिखती हैं, जो करंट जंक्शन की तरफ आ रहे हैं वो पॉजिटिव ले लो और जो दूर जा रहे हैं वो नेगेटिव ले लो, सम जीरो। पर मैं कहता हूँ ये ज़्यादा ठीक है, इनकमिंग आउटगोइंग बात खत्म, माइनस प्लस का चक्कर ही खत्म है, सही है। और ये क्वेश्चन आता होता है किरचॉफ का फर्स्ट लॉ इज बेस्ड ऑन व्हाट? चार्ज कंजर्वेशन, तो टोटल चार्ज रिमेन्स सेम, सही है। किरचॉफ का सेकेंड लॉ जिसको लूप लॉ बोलते हैं, क्लोज लूप में लगता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीखना ही पड़ेगा किसी भी हालत में। तो किरचॉफ का सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंगली ये कैपेसिटर की तरह ही लगता है, किसी भी एक क्लोज लूप में सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इक्वल टू व्हाट? जीरो। तो सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू जीरो, तो इमेजिन करो ये आपके पास एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, इसके अंदर देखो क्या है, ये बैटरी E1 है, ये बैटरी E2 है, बैटरी प्लस माइनस है, बैटरी माइनस प्लस है, सही है, और पांच रेजिस्टेंसेस लगी हुई हैं। मैंने इमेजिन किया यहां से करंट निकला I। बैटरी का एक बड़ा सिंपल रूल है, अगर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल ने I करंट बाहर निकाला तो घूम फिर के टोटल करंट एंटर भी वापस कितना करना चाहिए? I। ये रूल है, और अगर ये रूल वॉयलेट हो गया तो आपके करंट की डिस्ट्रीब्यूशन गलत है। चलो मैंने ऐसे किया, I करंट निकाल दिया एक बार, फिर मैंने देखा कि दो रास्ते हो गए, जंक्शन आ गया, तो जंक्शन में करंट डिवाइड हो गया। मान लो यहां पे करंट कितना आ गया? आई डैश। बचा हुआ करंट कितना है? आई माइनस आई डैश। तो यहां पे आई डैश आ गया, यहां पर आई माइनस आई डैश आ गया, यहां पे करंट आ रहा है आई माइनस आई डैश, बाहर भी कितना निकलेगा? आई माइनस आई डैश, क्योंकि बैटरी का रूल है जितना करंट आएगा उतना करंट बाहर भी निकलेगा। यहां आ रहा है आई माइनस आई डैश, यहां पर आ रहा है आई डैश, फिर जंक्शन है, जंक्शन पे ये इनकमिंग करंट है, मिल रहे हैं, तो मिलके यहां जाएगा टोटल करंट, तो ये वाला करंट और ये वाला करंट जब मिलेगा तो आई डैश कैंसल, तो क्या आएगा यहां पर? आई। इसका मतलब मेरी डिस्ट्रीब्यूशन एकदम सही है, क्योंकि आई करंट छोड़ा था, वापस आई आ गया, इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन सही है। अगर आई ना आता फिर मेरे को रीथिंक करना पड़ना था, कहीं तो कुछ गड़बड़ हुई है। तो आप करंट डिस्ट्रीब्यूशन पर ध्यान ना दें, ये कैसे करनी है, ये जरूरी नहीं है कि ऐसे करनी है। कोई स्टूडेंट कहेगी जी मैंने तो आई लिया, मैंने यहाँ पर I1 ले लिया, I2 ले लिया, हाँ तो ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप I1 लो, I2 लो, फिर यहाँ से I1 आएगा, I2 आएगा, वापस मिल जाएगा I1 प्लस I2, एक ही बात है, जैसे मर्जी लो, आपकी इच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन करंट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं वो आने वाले टाइम में मैं आपको सिखाऊंगा, अभी मेरा मेन फोकस ये नहीं है कि करंट कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ, मेरा मेन फोकस है कि किरचॉफ लॉ कैसे लगाना है। तो इमेजिन कर लो, ये डायग्राम मैंने आपको दे दिया, करंट डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको दे दी, आप फोकस करो किरचॉफ का सेकंड लॉ कैसे लगेगा, ध्यान से देखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो दिखाने जा रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से देखना है, कोई डाउट हो साथ के साथ पूछ लेना है। तो आप कोई भी एक क्लोज लूप लें, क्लोज लूप में ये भी लूप है, ये भी लूप है, चलो ये लूप लेते हैं, ये लूप है, जब आप लूप में करंट की डायरेक्शन की तरफ चलेंगे, जैसे ये देखो आप करंट की डायरेक्शन की तरफ चल रहे हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर कितना डेवलप होगा? आई इंटू R1, इसको पोटेंशियल ड्रॉप बोलते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप रेजिस्टेंस में कितना डेवलप होगा? I इंटू R1।
पर क्योंकि करंट कहाँ जा रहा है, राइट, करंट राइट जा रहा है, करंट अगर राइट जा रहा है इसका मतलब यू आर मूविंग फ्रॉम अ हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, कहीं ना कहीं हायर से लोअर जाता है करंट। तो अगर आप हायर से लोअर जा रहे हैं तो आपका पोटेंशियल गिर रहा है, आपका पोटेंशियल हाई से लोअर है, आपका पोटेंशियल की वैल्यू गिर रही है, कम हो रही है, कम के लिए साइन लगेगा नेगेटिव, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या काउंट होगा, नेगेटिव। रिपीट कर रहा हूं, अगर आप करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आप हायर से लोअर पे जा रहे हैं, हायर से लोअर का मतलब आपका पोटेंशियल गिर रहा है, कम हो रहा है, तो जब कम हो रहा होगा आपने माइनस लगाना है, जब बढ़ रहा होगा आपने प्लस लगाना है। मैं और दो बार करके दिखाऊंगा, तो ये माइनस आएगा, फिर उसके बाद आप यहां से यहां आ रहे हैं लूप में, फिर से आप करंट की डायरेक्शन के अलोंग आ रहे हैं, इसका मतलब मन में सोचे हायर से लोअर पोटेंशियल पे आ रहे हैं, फिर से पोटेंशियल गिर रहा है, तो इस बार पोटेंशियल डिफरेंस की जो वैल्यू है रास्ते में माइनस आई डैश इंटू आर टू फिर से आ गई। आप करंट की डायरेक्शन में जब जब जाएंगे आपका पोटेंशियल गिरेगा ही गिरेगा, तो साइन नेगेटिव आएगा ही आएगा, फिर रास्ते में फिर करंट की डायरेक्शन में चलना शुरू कर दिया, तो इस बार भी क्या आएगा, माइनस आई इंटू आर थ्री नेगेटिव में आएगा, और रास्ते में क्या आ गई, बैटरी। अब ध्यान से, बैटरी का कौन सा टर्मिनल पहले आया, माइनस, फिर कौन सा आया, प्लस, माइनस से प्लस, माइनस लोअर पोटेंशियल है, प्लस हायर पोटेंशियल है, तो आप लोअर से हायर जा रहे हैं तो आपका पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ने के लिए साइन क्या आएगा, प्लस ई वन, लूप कंप्लीट हो गया, मस्ट बी इक्वल टू जीरो। फिर से लगा के देखते हैं, तो ये मैंने क्वेश्चन लिखी हुई है आपकी, चलो फिर से लगाते हैं, इस बार किरचॉफ लॉ जो लगाना है लूप नंबर टू में लगाना है। बोलो, लूप नंबर टू में मैं यहां से स्टार्ट हो रहा हूं, मैं यहां से स्टार्ट होके घूम के वापस जाने वाला हूं, कुछ ऐसे साथ साथ बोलना। जब मैं राइट पे आ रहा हूं तो मैं करंट की डायरेक्शन में आ रहा हूं, पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, प्लस की माइनस, माइनस करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो साइन क्या लगेगा, माइनस, सही है। नेक्स्ट, रास्ते में बैटरी आ गई, माइनस से प्लस, पोटेंशियल बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, बढ़ रहा है, तो क्या आएगा, प्लस ई टू, प्लस ई टू। फिर करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पोटेंशियल गिरेगा, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इनको मल्टीप्लाई करके आंसर प्लस की माइनस, माइनस तो माइनस में आएगा। फिर करंट के ऑपोजिट इंपॉर्टेंट है, करंट नीचे आ रहा है लेकिन मेरा लूप कंप्लीट करने के लिए मेरे को ऊपर जाना पड़ रहा है, ऊपर जाने का मतलब आई एम मूविंग लोअर टू हायर पोटेंशियल, बढ़ रहा है पोटेंशियल, बढ़ने का मतलब प्लस। तो जब भी आप करंट के साथ जाएंगे पोटेंशियल नेगेटिव, करंट के ऑपोजिट जाएंगे पोटेंशियल पॉजिटिव, लूप कंप्लीट, आंसर जीरो। तो लगाना आ गया किरचॉफ का लॉ, तो मैं इसको आज लगा के भी दिखाऊंगा एक दो क्वेश्चंस में, बस ये रूल याद रखना, कम से कम 25-30 ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करने वाले हैं हम, तो आपको बार बार लगा लगा के अपने आप प्रैक्टिस होगी, आने वाले टाइम में, एक बारी में नहीं आएगा लेकिन चलो आने वाले टाइम में आ जाएगा आपको, पर रूल समझ में आ गया, प्लस माइनस का इतना समझ में आना चाहिए कि कब प्लस कब माइनस। किरचॉफ के लॉ का कुछ डिफरेंसेस हैं, फर्स्ट लॉ इज इन अकॉर्डेंस विद चार्ज कंजर्वेशन, आता है ऑब्जेक्टिव ये कि बताओ किरचॉफ लॉ किस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है, चार्ज कंजर्वेशन। और सेकेंड लॉ, नेट पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू जीरो, तो किरचॉफ का सेकेंड लॉ किसके ऊपर बेस्ड है, एनर्जी कंजर्वेशन, पोटेंशियल डिफरेंस का सम इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ सम ऑफ ऑल करंट्स एट जंक्शन इज जीरो, लेकिन इसके अकॉर्डिंगली सम ऑफ ऑल ईएमएफ एंड पोटेंशियल ड्रॉप मस्ट बी इक्वल टू जीरो। इसके अंदर ये ओपन क्लोज लूप कहीं भी लग जाता है, पर जंक्शन होना चाहिए, लेकिन ये हमेशा क्लोज सर्किट में लगता है जहां पर लूप होना चाहिए, बिना लूप के काम नहीं करता। तो क्लियर है यहां तक, तो ये किरचॉफ के लॉस हैं।